दोस्तों इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक से रिचार्ज करने के लिए सबसे पहले आपको अपने इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का ओपन कर लेना है। देन ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको अपना एम पिन फिल कर लेना है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में लॉगिन करते टाइम आपने जो भी एम पिन बनाया था वही एम पिन आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। ऐप ओपन करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन बने हुए हैं। तो ये सभी ऑप्शन क्या है, इस सभी के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे ऐसे वीडियोस आते रहते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आपको बता देते हैं जो आप रिचार्ज कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको दो रिचार्ज का ऑप्शन दिख रहा होगा, एक जो है सिंपल रिचार्ज का ऑप्शन है और एक मोबाइल पोस्टपेड का ऑप्शन है। दोस्तों रिचार्ज में एक होता है पोस्टपेड और एक होता है प्रीपेड। तो हमें मोबाइल पोस्टपेड वाले ऑप्शन पर नहीं क्लिक करना है, हमें सिर्फ रिचार्ज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। देन यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमें थोड़ा सा वेट कर लेना है, इसको ओपन होने में जो है थोड़ा सा समय लग सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ओपन करने के बाद यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का ऑप्शन, मोबाइल प्रीपेड का ऑप्शन। तो हमें अपने मोबाइल को रिचार्ज करना है तो हमें सिंपली मोबाइल प्रीपेड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। देन मोबाइल प्रीपेड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद यहां पे देख सकते हैं प्रीपेड मोबाइल नंबर, जिस मोबाइल नंबर पे आपको रिचार्ज करना है वो मोबाइल नंबर आपको सिंपली यहां पे डायल करना है। तो चलिए अपना मोबाइल नंबर है सबसे पहले यहां पे फिल कर देते हैं। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद यहां से देख सकते हैं नेटवर्क ऑपरेटर, तो आपका जो मोबाइल नंबर का सिम जिस भी कंपनी का है उसको आपको यहां से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहां पे देख सकते हैं आपको एयरटेल, बीएसएनएल, जियो, ये सभी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम यहां से एयरटेल सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहां से जो है आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि मेरे में देखिए बिहार झारखंड ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया है, तो हम यहां से बिहार झारखंड सेलेक्ट कर लेते हैं। देन यहां पे ब्राउजर प्लान्स पे आपको क्लिक कर लेना है, मतलब जो भी प्लान से आप रिचार्ज करना चाहते हैं उस प्लान को आपको यहां पे सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए यहां पे हम क्लिक कर लेते हैं। देन यहां पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारे प्लान्स आ चुके हैं। तो इन सभी में से जिस प्लान को हमें सेलेक्ट करना होगा हम सिंपली यहां से सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहां पे देख सकते हैं बहुत सारे प्लान है, तो आप जिस प्लान को भी एक्टिवेट करना चाहते हैं उस प्लान को आपको यहां से सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम यहां से इस वाले प्लान को सेलेक्ट कर लेते हैं। देन यहां पे क्लिक करने के बाद पेमेंट मेथड, मतलब किस मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हैं, जैसे UPI, बैंक अकाउंट, तो उन सभी में से किसी को भी आपको यहां पे सेलेक्ट कर लेना है। देन सेलेक्ट करने के बाद यहां से आप अपने बैंक का जो है अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं, जो आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है। तो यहां पे क्लिक करके दिखा देते हैं, देखिए यहां पे शो हो रहा होगा हमारे अकाउंट का बैलेंस। अब हमें क्या करना है, ये सभी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद एक बार आपको चेक कर लेना है जो आपने मोबाइल नंबर फिल करा है वो सही है या नहीं। उसके बाद आपको जो प्लान सेलेक्ट आप किए हैं वो सही है या नहीं, ये सभी सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे में रिचार्ज का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली आपको यहां पे क्लिक कर देना है। यहां पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। उसके बाद देख सकते हैं फिर कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहां पे देखिए आपका जो भी कंपनी का सिम है वो यहां पे दिख रहा है। उसके बाद आपने जो भी प्लान सेलेक्ट किया होगा वो आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये कन्वर्सेशन फी क्या होता है, जैसे आप फोन पे से रिचार्ज करते होंगे या किसी अदर ऐप से आप रिचार्ज करते होंगे तो आपका जो रिचार्ज का अमाउंट होता है उसमें 2 या 3 रुपया ऐड करके आपको लिया जाता है प्लेटफॉर्म चार्ज। लेकिन यहां पे देख सकते हैं प्लेटफॉर्म चार्ज जो है बिल्कुल फ्री है, 0 रुपया हमें प्लेटफॉर्म चार्ज लग रहा है। तो अब हमें क्या करना है, सिंपली कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उससे पहले यहां पे देख सकते हैं प्लीज नोट करके यहां पे कुछ ऑप्शन बना हुआ है, तो यदि ये सभी आप पढ़ना चाहते हैं तो आप यहां से पढ़ सकते हैं। अगर नहीं पढ़ना है तो आपको सिंपली कंफर्म एंड पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। देन यहां पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। आपके जो भी अकाउंट से रजिस्टर्ड नंबर होगा उस पर एक OTP जाएगा, वो OTP आपको यहां फिल करना पड़ेगा। उसके बाद हमें सबमिट करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसमें वर्क नहीं करता है, तो चलिए हम इसको आपको रिकॉर्ड करके दिखाते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने फ़ोन के होम स्क्रीन पे और यहाँ पे देख सकते हैं हमारे फ़ोन पे एक OTP आ चुका है, उस OTP को हमें यहाँ पे फिल कर लेना है। तो चलिए हम सबसे पहले OTP फिल कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑटो फिलअप का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लेना है। देन सबमिट वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। देख सकते हैं रिचार्ज सक्सेसफुल, हमारा जो रिचार्ज है वो सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो है आपका फ़ोन नंबर देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे जो आपका बिल दिख जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपके अकाउंट का जो 4 डिजिट है, जिस अकाउंट से पैसा कटा है वो अकाउंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये सभी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये सभी चेक करने के बाद आप जो है रिसिप्ट को यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, आपका रिसिप्ट जो है डाउनलोड हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक से बहुत ही आसानी से बिना कोई प्लेटफॉर्म चार्ज दिए हुए अपना भी रिचार्ज कर सकते हैं और यदि करना है किसी का तो उसका भी रिचार्ज कर सकते हैं। तो यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।